hello everyone i hope everyone of you will be good in health so we have created this youtube channel to share some daily tips and tricks in in order to make a strong financial base make sure to stick around till the end of the video make proper notes and try to implement in the same way as shown in the video to make it beneficial for you make sure to like this video subscribe to the channel and hit the bell icon to stay updated सो दिस इज़ द एपिसोड नंबर टू और इसमें हम एक ब्लॉग लिखना और उस ब्लॉग को मॉनिटाइज करना सीखेंगे और इसमें कुछ स्टेप्स इंक्लूड होंगे पहले हम स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को डिस्कस कर लेंगे ताकि हमें आइडिया कि हमने किस स्टेप में किस तरह से काम करना है सो नंबर वन इज़ हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉगिंग वेबसाइट अब एक जाहिर सी बात है कि जब आप एक, आप एक ब्लॉग लिखोगे आप फॉर एग्जांपल अगर आप कंटेंट राइटर हो आप एक कंटेंट आपको लिखना आता है आप एक ब्लॉग लिख रहे हो किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप चाहते हो कि आप उस ब्लॉग को कहीं पे पब्लिश करो तो उस ब्लॉग को कहीं पे भी पब्लिश करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है हम कोई कोडिंग वगैरह नहीं करेंगे हम कोई भी डोमेन नहीं हरी धीरे कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो आपको बनी बनाई वेबसाइट दे, दे देती हैं और आपसे कोई दे डोंट इवन टेक अ सिंगल पैन फ्रॉम यू तो वो एक फ्री में आपको वेबसाइट मिल जाती है तो हम वो वाली साइट्स को यूज़ करके हम एक मिनी वेबसाइट बनाएंगे ठीक है ये तो हो गया एक वेबसाइट बन गई नंबर टू इज़ हाउ टू फाइंड ट्रेंड टॉपिक्स फॉर द ब्लॉग कि अगर हम ब्लॉग लिख रहे हैं तो हमें कैसे पता होगा कि हमने कौन से टॉपिक पे ब्लॉग लिखना है कौन सा टॉपिक इस वक्त ट्रेंडिंग पे जा रहा है हमें किस किस चीज़ के मुताबिक हमें कोई चीज़ लिखनी चाहिए ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वेदर है अगर वेदर बदल रहा है तो हम ए, कुछ सर्च इंजनस हम यूज़ करेंगे जिससे हमें आइडिया होगा कि हमने कौन से टॉपिक के ऊपर किस तरह का ब्लॉग लिखना है अब हमारे पास फॉर एक्जाम्पल सारा सर्च कर लिया हमारे पास एक टॉपिक सेलेक्ट हो गया नंबर थ्री इसके हम उस टॉपिक के ऊपर डाटा लिखेंगे कहाँ से अगर हमें इतनी अच्छी स्ट्रॉग हमारी इंग्लिश नहीं है या कोई भी लैंग्वेज में आप जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो वो लैंग्वेज हमारी इतनी स्ट्रॉग नहीं है तो हमें ब्लॉग भी लिखना है तो हम वो ब्लॉग किस तरह से लिखेंगे तो उसके लिए हम दो तीन वेबसाइट्स पे देखेंगे जो हमें खुद से एक आर्टिकल एक पूरा ब्लॉग विद हेडिंग्स एंड एवरीथिंग थिंग हमें पूरा ब्लॉग तैयार करके दे देती हैं तो उन वेबसाइट से हम जो है ना अपना ब्लॉग लेंगे नंबर फोर इसके ब्लॉग भी बन गया टॉपिक टौ, भी हमने डिसाइड कर लिया हमारी वेबसाइट भी बन गई है अब हमने उस ब्लॉग को पब्लिश किस तरह से करना है कैसे वेबसाइट्स पे जाकर उसको सेव करना है सारा एंटर करना है फिर कैसे उसको पब्लिश करना है और नंबर फिफ्थ पे हमारे पास आता है द मेन स्टेप इसके हमने उस ब्लॉग के थ्रू हमने अर्निंग किस तरह से करनी है तो ब्लॉग किस तरह से हमें हम कैसे उस ब्लॉग को मोनिटाइज करेंगे और कैसे उसके थ्रू हम अर्निंग करेंगे ये सारा होल प्रोसीजर है वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ का जो है ना पूरा आइडिया हो जाए कहाँ पे क्या चीज़ है किस तरह से है स्टार्टिंग विद वेबसाइट क्या आपने वेबसाइट बनानी किस तरह से है हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं एक है गूगल साइट्स और एक है मीडियम ये दो ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप जो है ना खुद वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो बल्कि आपको क्रिएट भी नहीं करनी पड़ती ऑलरेडी वहाँ पे बनी होती है सिर्फ अपने अपना अकाउंट वहाँ पे साइन इन करना होता है ठीक है नंबर वन इज़ मीडियम एंड नंबर टू इज़ गूगल साइट्स सबसे पहले आप मीडियम पे काम कर लेते हैं मैंने ऑलरेडी सारे टैब्स ओपन करके रखे हुए हैं ताकि अगर नेट स्लो हो तो फिर लोडिंग में थोड़ा इशू होता है अच्छा नंबर वन इज़ आप सिंपली क्रोम पे जाओगे क्रोम पे जाके आपने लिखना है मीडियम जैसे अब यहाँ पे मीडियम लिखोगे आपको जो यहाँ पे फर्स्ट सर्च शो हो रहा है मीडियम वेयर गुड आइडियाज़ फाइंड यू ठीक है सिम्पली आप क्रोम पर गए आपने वहाँ पर जाके मीडियम लिखा मीडियम वेयर गुड आइडियाज़ फाइंड यू फर्स्ट सर्च इंजन को आपने क्लिक कर लिया जैसे आप उसको क्लिक करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा ठीक है अब यहाँ पे आपने जो है ना लास्ट टाइप हम क्रॉस क्रॉस कर देंगे अब यहाँ पे जो आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी इसको हम ओपन करेंगे लेकिन बाद में पहले हम दूसरी वेबसाइट पे देख लेते हैं गूगल साइट्स पे ये गूगल हमें खुद से ऑफर करता है आपने सिंपली क्रोम पर गूगल साइट्स लिखा फर्स्ट सर्च आपने क्लिक कर लिया गूगल साइट साइन इन जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का जो है ना इंटरफेस शो होगा ब्लैंक साइड पे आपने क्लिक कर लेना है जैसे आप ब्लैंक साइड पे क्लिक करोगे आपको इस तरह की एक टैब आपके पास ओपन हो जाएगा अब जहाँ पे लिखा हुआ है योर पेज टाइटल यहाँ पे जो आपका ब्लॉग का टाइटल होता है आप वो लिख लेते हो जैसे फॉर एक्जाम्पल अगर मैं कोई कोडिंग का ब्लॉग में लिख रही हूँ कोडिंग पर लिख रही हूँ तो मैं उसकी हेडिंग यहाँ पर लिख दूँगी उसको बोल्ड कर सकते हैं उसको अंडरलाइन कर सकते हैं इस तरह से ये आपको मैं एक टेम्प्रेरी एग्जाम्पल दे रही हूँ ठीक है अब यहाँ पर आप, आप इमेज़ एड कर सकते हो थीम्स वगैरह ऐड कर सकते हो ऐसे जब आप खुद इस पर ब्लॉग वगैरह लिखोगे तो आप डिफरेंट चेंजिंग इसके अंदर कर सकते हो ठीक है ये तो हमारे पास होगा कि हमने एक जो है ना वेबसाइट बनाना सीखी ये आपकी वेबसाइट बन गई है ठीक है इस पर अभी हम ब्लॉग सर्च करेंगे इस पर हम ब्लॉग लिखेंगे हम ब्लॉग पब्लिश भी करेंगे बट उससे पहले हमारे पास एक ट्रेंडिड टॉपिक होना चाहिए कि हमने किस टॉपिक के ऊपर जो है ना ब्लॉग लिखना है हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन से टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखना चाहिए उसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं नंबर वन इज़ गूगल ट्रेंड्स नंबर टू इज़ एप्पल न्यूज़ और नंबर थ्री पर हमारे पास आता है गूगल न्यूज़ सबसे पहले हम गूगल ट्रेंड्स पर जाएंगे आपने क्रोम पर जाना है सिंपली आपने वहाँ पर जाके गूगल ट्रेंड्स लिखना है जैसे आप गूगल ट्रेंड्स लिखोगे जो फर्स्ट ट्रेड सर्च आपके पास आती है आप उसको क्लिक कर लो जैसे आप उसको क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस हो, हो रहा है आपने यहाँ पे आ ट्रेंडिंग नाव पर क्लिक कर लेना जैसे आप ट्रेंडिंग नाव पर क्लिक करोगे आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा आपने ट्रेंडिंग नाउ पे अब यहाँ पे आपके पास बहुत सी ऑप्शन अब जहाँ पे यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है आप यहाँ पे जाके डिफरेंट कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो अब इस साइट का मकसद क्या है ये साइट जो होती है आपको जो रिसेंटली जो चीज़ बहुत वायरल हुई होती है जो ट्रेंडिंग पे जा रही होती है आपको उसके बारे में बता देती है ठीक है अब अगर यहाँ पर कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो आपकी अपनी चॉइस है जो सी भी कंट्री के अंदर आप ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हो या जो जिस कंट्री में आप रहते हो ठीक है अब जैसे यूनाइटेड किंगडम है तो यहाँ पर ये जी टी ए स्ट्रीमर है कोई आई डोंट नो ये क्या है लेकिन ये चीज़ जो है वो ट्रेंडिंग पर जा रही है ठीक है बिल्कुल इसी तरह आप नीचे भी सब देख सकते हो अगर मैं इसमें कोई कंट्री चेंज करती हूँ मैं यूनाइटेड किंगडम की बजाय ऑस्ट्रेलिया करती हूँ तो अब वो मुझे यहाँ पर बता रहा है कि प्रीमियम लीग है ये सब चीज़ें हैं जो ट्रेंडिंग में जा रही है मुझे साथ बता भी रहा है कि कितने घंटे पहले जो है ना ये ट्रेंड पर थी सिक्स और जगो फाइफ और जगो ग्रैंड थी ऑटो हर चीज़ इसमें हमें शो हो रही है मगर मैं एक कंट्री जो बाहर से चेंज करती हूँ मैं बेल्जियम कर लेती हूँ और मुझे बेल्जियम में भी बता रहा है कि ये ये चीज़ें जो है ना ट्रेंडिंग पे जा रही हैं ठीक है ये हमारे पास होगा गूगल ट्रेंड्स का काम अब हम दोबारा अब नेक्स्ट हम जो सेकंड साइट हमारे पास थी एप्पल न्यूज़ हम उस पे जाते हैं गूगल पे जाके आपने सिंपली लिखना है एप्पल न्यूज़ और जो फर्स्ट सर्च आपके पास आएगी वो आपने ओपन कर लेनी है बट जो ये एपल न्यूज़ है ये इसमें आपको सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ती है आपको मंथली जो है ना ट्वेल्व पॉइंट तो डॉलर्स आपको पे करने पड़ेंगे तो इसको हम रहने देते हैं इसको गूगल ट्रेंड्स और जो काम उसने आपको करके देना है वो गूगल ट्रेंड्स भी कर देगा और गूगल न्यूज़ भी करके दे देगा तो उसकी भी हमें इतनी जरूरत नहीं है कि आप उस पर स्टार्टिंग में आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर लो सबसे पहले आप फिर आप गूगल न्यूज़ पर जाओगे आप क्रोम पर जाओ सिंपली जाके आपने वहाँ पर सर्च करना है गूगल न्यूज़ और जो फर्स्ट सर्च आपके पास आ रही है गूगल न्यूज़ आपने उसको सिलेक्ट कर लेना यहाँ आप, आप देख रहे हो कि आपको डिफरेंट तरह की जो है ना कह लो खबरें जो है न्यूज़ जो है आपको नज़र आना स्टार्ट होगी अब यहाँ पे आप अपना जो आपको जिस चीज़ आप, आप इंटरेस्ट रखते हो अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो आप उसको क्लिक कर लो आपको उसके रिलेटेड जो है ना वो चीज़ बता देगा कि बारह घंटे पहले या कितने टाइम पहले ये चीज़ जो है ट्रेंडिंग में जा रही थी अगर हम इंटरटेनमेंट पर सिलेक्ट करें तो यहाँ पे हमें सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया उसने अगर बिजनेस पे अगर हम क्लिक करें तो हमें हर जो चीज़ जो उस क्या लोग मॉड्यूल के, लो के रिलेटेड होती है वो उसके बारे में हमें सर्च दे देता है कि ये चीज़ थी बिजनेस में ये चीज़ ट्रेंडिंग पे जा रही है टेक्नोलॉजी में ये चीज़ ट्रेंडिंग पे जा रही है ठीक है ये एक होगा मेरे पास गूगल न्यूज़ और एक होगा गूगल ट्रेंड्स अब यहाँ से हम दो, इन दोनों में से आपने कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेना जो आपको लग रहा है कि बहुत ट्रेंडिंग में है बहुत अट्रैक्टिव है और ये इस पर मैं ब्लॉग लिखूंगी यो तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जाएगा और लोग इसको इस पर पढ़ना पसंद करेंगे अब जैसे हमारे पास ये रेड फ्लेम्स है हम इसको फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है, है, है ये हमारा टॉपिक है रेड फ्लेम्स ये इसकी पूरी हिस्ट्री है एनालिटिक्स वगैरह है ये अगर आप देखना चाहते हो अपनी कह लो कि एनालाइज करने के लिए कितना ट्रेंडिंग पे गया है तो आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हो ठीक है ओवरऑल हमने एक टॉपिक हमारे पास आ गया रेड फ्लेम नंबर थ्री भी हमारे हमारे पास आता है कि हमारे पास एक वेबसाइट भी बन गई हमने एक ट्रेंडी टॉपिक भी डिसाइड कर लिया अब हम इस टॉपिक के ऊपर हम ब्लॉग किस तरह से लिखेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो वेबसाइट हैं जो हमें खुद से एक आर्टिकल एक कम्प्लीट ब्लॉग विद हेडिंग्स एंड एवरी थिंग हमें बना के दे देता है नंबर वन इज़ एनी वर्ड और नंबर टू हमारे पास आता है चैट जी पी टी ठीक है सबसे पहले हम चले जाएँगे एनी वर्ड के ऊपर आपने सिंपली क्रोम पर जाना है क्रोम पर जाकर आपने सर्च करना है एनी वर्ड और जो फर्स्ट सर्च आपके पास आती है वो कि फर्स्ट सर्च यहाँ पर स्पॉन्सर्ड है ठीक है आपने स्पॉन्सर्ड पर आप जो ऑफिशियल साइट है एनी वर्ड एडवांस्ड ए आई राइटिंग इस पर आपने क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना नेक्स्ट स्टार्ट फॉर फ्री पे जैसे स्टार्ट फॉर फ्री पे करोगे आपने इस पर साइन इन कर लेना सिंपली जो भी आपकी ईमेल डिटेल्स हैं वो आपने एंटर कर लेनी है तो उसको साइन इन कर लेना है मेरे पास जो मेरा ईमेल आईडी लगा लगा है वही पर वही मैं सेलेक्ट करूँगी जो भी आप क्रोम वगैरह में पहले से आपका साइन इन होगा आप उसी को सिलेक्ट कर सकते हो सिंपली थोड़ी सी लोडिंग होगी और मेरे पास जो है ना एक ओपन हो जाएगी वेबसाइट तो ठीक है इस तरह से ये एक ये मेनली करती ही काम जो है ना ब्लॉगर्स के लिए ठीक है ये बनी ही ब्लॉगर्स के लिए ये वो हमें बता रहा है कि आप सेवन डे का फ्री ट्रायल ले सकते हो लेकिन वो हमें नहीं चाहिए सिंपली आप यहाँ पे बताओ कि आपका करंट रोल क्या है ठीक है आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो आप कंटेंट मार्केटिंग के लिए लिख रहे हो या सोशल मीडिया मैनेजर हो या जो भी है हम अदर कर लेंगे फिर कितनी हमारी कंपनी लार्ज है टू टू टन कर लें हाउ डिड यू हेयर अबाउट एनी वर्ड गूगल सर्च हाउ डू यू प्लान टू यूज एनी वर्ड जो भी आपके प्लान हैं हमारे अभी है कि हमने ऐसी ब्लॉग पोस्ट करना है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे अब आपसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे क्या करना है आपको एक वेल well रिटर्न जो है ना एक ब्लॉग चाहिए या फिर आपको कोई ई मेल या सोशल मीडिया एड्स वगैरह के लिए आपको चाहिए तो मैं इस पर सेलेक्ट कर लूँगी ब्लॉग विजिट जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी साथ मेरे सामने एक प्रॉपर में जो जहाँ पर मैंने काम करना है ठीक है जहाँ पे हमारा मेन काम है वो मेरे पास एक ओपन जगह ब्लॉग पोस्ट अब यहाँ पे आपको खुद भी अंदाजा हो रहा है कि ये मेनली बना ही ब्लॉगिंग के लिए है यहाँ पर अपने मेनली हमें देता ही ब्लॉग है ठीक है अब हमारे पास जो टॉपिक था ब्लॉग का वो था रेड फ्लेम्स मैं यहाँ से टॉपिक जो है वो कॉपी करूँगी और यहाँ पर पे आके पेस्ट कर दूँगी यहाँ पर उनको मुझसे पूछा कि वट इज़ योर ब्लॉग पोस्ट अबाउट तो वो रेड फ्लेम्स के बारे में है अब मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन है मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा ऑडियंस तक मेरा ब्लॉग जाए तो मैं ब्रॉड ऑडियंस सेलेक्ट कर लूँगी आप क्या चाहते हो कि जो ब्लॉग लिखा है उसकी टोन किस तरह की हो वो इंगेजिंग हो कॉन्फिडेंट हो या क्या हो जो भी आप अपनी मर्जी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो फिर आपको कह रहा है कि आपको ऐसी यो आप लिखना चाहते हो प्राइमरी सेकेंडरी तो आप लिख सकते हो ये ऑप्शनल है अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी लो अगर नहीं लिखना तो इसमें कोई इशू नहीं है ठीक है अब आप क्या चाहते हो कि जो ब्लॉग लिखा आए वो उस वैश्विश यूके की इंग्लिश हो या यूएस की इंग्लिश हो क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के किंगडम की जो इंग्लिश उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो जो जो सी भी आपको लैंग्वेज में चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है इसके बाद आपने जो है ना नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना अब जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो ये नेक्स्ट ओपन नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा क्योंकि वो चाहता है कि जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं एटलीस्ट फाइव वर्ड ज़रूर लिखूँ मैं वापस इस पर आऊँगी यहाँ पर आप मुझे रिलेटेड क्वेरीज़ दे रहा है ठीक है यहाँ पर आप जो तीनों से नीचे लिखे हुए हैं नेशनस लीग नीदरलैंड और बेल्जियम ठीक है इसमें से आप जो है ना तीन चार वर्ड्स इसके अंदर तो और एंटर कर दो ठीक है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इस पर फर्दर जो है ना नेशंस लीग है जो भी उस पर लिखा होगा कोई रिजन हमारे पास फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे लेकिन अभी भी वो बोल रहे हैं कि आपको एक दो वर्ड और लिखना है तो मैं वापस इस पर जाऊँगी मैं देखूंगी ये नीदरलैंड और बेल्जियम है तो मैं इसको जाके वहाँ पे एंटर कर दूंगी और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे वो आपको बता रहा है कि आपके जो ब्लॉग है उसका टाइटल क्या होना चाहिए कि क्या टाइटल आप अपने ब्लॉग का रखोगे ठीक है वो हमें खुद भी सजेस्ट है चार पाँच उसने हैं और आगे उसने हमें परसेंटेज भी ये कि कितने परसेंट अट्रैक्टिव है और ज़्यादा अच्छा है ठीक है जो नंबर वन पर होता है वो हमेशा सबसे अच्छा होता है तो हम उसको ही सिंपली रहने देंगे नेक्स्ट तो मुझे आउटलाइंस दे रहा है कि आपकी जो ब्लॉग है आपका जो ब्लॉग है उस पर उसके आउटलाइंस क्या होंगे आउटलाइन मतलब की जो हेडिंग्स होती हैं अगर हम कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं उससे पहले आउटलाइन क्या होगा उस चीज़ का तो उसने मुझे मुझे ऑप्शन भी दे रहा है मैं खुद से रीजनरेट भी कर सकती हूँ अगर मुझे कोई नहीं अच्छा लग रहा तो मैं उसको डिलीट भी कर सकती हूँ ठीक है ये आपको आउटलाइन बने बनाए मिल गए हैं अगर आपने कोई और ऐड करना आउटलाइन तो आप वो भी ऐड कर सकते हो सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब आपको बोल रहा है कि आप कितने जनरेट करना चाहते हो होल ब्लॉग या फिर आप एक ब्लैंक पेज से स्टार्ट करना चाहते हो और आप वर्ड्स का उसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हो आपको कितने वर्ड का जो है ना ब्लॉग चाहिए है, ठीक है कंटिन्यू टू एडिटर पर जाओगे थोड़ी सी लोडिंग होगी उसके बाद जो है आपको एक ब्लॉग आपके पास खुद एक कम्प्लीट ब्लॉग आपके पास ओपन हो जाएगा अब अगर आप चाहते हो कि नहीं ये अच्छा नहीं कोई एक सेक्शन उसने हमें कम्प्लीट ब्लॉग एक पूरा पैराग्राफ में नहीं दिया उसने डिफरेंट सेक्शन में हमें दिया ठीक है अगर आपने इसे इन दोनों पैराग्राफ्स के सेंटर में कोई ऐड करना है आप उसमें प्लस पे क्लिक करके एक सेक्शन ऐड कर सकते हो इसको दोबारा से रीजनरेट भी कर सकते हो ठीक है अब कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं लिखा गया ये मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा तो अब उसको रीजनरेट कर लो तो फिर जब आपको लगे कि नहीं ये सारा बहुत अच्छा लिखा गया और सारा कंप्लीट है तो सिंपली इसको आपने आपको यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है कॉपी टू क्लिप बोर्ड आपने इस पर क्लिक कर लेना जैसे आप इस पर क्लिक सॉरी क्लिक करोगे तो आपको ये कॉपी पूरा ब्लॉक जो है इंटायर ब्लॉक कॉपी हो जाएगा जैसे ही कॉपी होगा आपने इसको आपने इसको अपने पास किसी भी डॉक्यूमेंट में सेव कर लेना आप एम एस वर्ड पर कोई डॉक्यूमेंट में सेव कर लो कोई नोट पैड पर सेव कर लो लेकिन कॉपी करके यहाँ पर आके कर आपने इसको पेस्ट कर देना है जो आपके पास सारा जो है ना ब्लॉग वहाँ से कॉपी होकर यहाँ पे पेस्ट हो गया आपके पास उसके बाद हमारे पास आता है चैट जी पी लेकिन एक हमने एनी वर्ड पर हमने अपना ब्लॉग लिखा नंबर टू पर आता है हमारे पास चैट जी पी आपने चैट जी पी ओपन कर लेना लेकिन उससे पहले आपने एक वेब चैट जी पी की एक्सटेंशन है आपने उसको एक्टिवेट करना अब उस एक्सटेंशन का मकसद आपको क्या होगा पहले आप उसको इंस्टॉल करोगे फिर फर्दर हम इसको देखते हैं सबसे सब आप क्रोम पर जाओ वहाँ पर जाके आपने लिखना है वेब चैट जी पी एक्सटेंशन जो ये फर्स्ट आपको ये लिखा है ना जहाँ पे वेब चैट जी पी टी चैट जी पी टी विद इंटरनेट एक्सेस आपने इसको क्लिक कर लेना जैसे आप इसको ओपन करोगे इस तरह से आपके पास जो है ना एक इंटरफेस हो होगा मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये मुझे ऐड uh, टू आपका यहाँ पे ऐड टू क्रोम शो होगा मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ तो मैं दोबारा से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम इसको रिमूव फ्रॉम क्रोम मैं कर लेती हूँ आपके पास रिमूव फ्रॉम क्रोम नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे इसलिए शो हो रहा है ठीक है अब यहाँ पर ये रिमूव हो चुकी है तो यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से आपके पास जो है ना इंटरफेस शो होगा आ, इस तरह से एड टू क्रोम यहाँ पर आपने एड टू क्रोम क्लिक कर लेना एड एक्सटेंशन जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके ऑटोमेटिकली आपके क्रोम के अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी ये थोड़ा सा टाइम लेती है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं लेती आपके पास जैसे ही इंस्टॉल होगी तो आपके चैट जी का पूरा इंटरफेस जो है ना वो चेंज हो जाएगा अभी इंस्टॉल होगी तो आपने इसको क्लिक कर लेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ आपका चैट जी कुछ इस तरह से जो है ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा अब उसमें और इस चैट जीपीटी में आप खुद आपको ख़ुद भी डिफरेंस समझ आ रहा है ठीक है इसमें हमारे पास दो जो है ना मेन हमारे पास चीज़ें आती हैं ठीक है नंबर वन हमारे पास आता है कि हमें कम्प्लीट इंटरनेट एक्सेस देता है ठीक है नंबर टू वन क्लिक प्रॉम्प्ट आपके पास आ जाता है कि एक क्लिक से जो है ना आपको एक अच्छा खासा जो है ना बहुत आ, कम्प्लीटली जो आप विचार होते हो कि आपके पास आए कम्प्लीट आपके पास पूरा आर्टिकल आ जाता है या ब्लॉग है जो भी चीज़ लिख रहे होते हो अब आपको देखो खुद भी वो कुछ ऑप्शन दे रहे हैं कम्पोज एन इंटायर बुक विद वन क्लिक आप एक पूरी कम्प्लीट बुक लिख सकते हो एक सिंगल क्लिक से ठीक है हमारा काम नंबर वन वाले से एस यू ऑप्टिमाइज आर्टिकल विद हंड्रेड परसेंट यूनिक ह्यूमन रिटिन स्टाइल आप इस पर क्लिक करो अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपको किस लैंग्वेज में चाहिए आपका जो है ना ब्लॉग मुझे इंग्लिश में चाहिए ठीक है आप किस तरह के टोन चाहते हो वॉम जैसी आप चाहते हो आप उसको क्लिक कर लो मैं यहाँ पे जो है ना कॉन्फिडेंट को क्लिक कर लूँगी राइटिंग स्टाइल आप किस तरह का चाहते हो जो उनसे आप चाहते हो कन्वर्जेशनल है एनालिटिकल है या टेक्निकल है या जैसा भी आप चाहते हो आप उसको जो है ना क्लिक कर लो यहाँ पर हम क्रिएटिव सेलेक्ट कर लेंगे अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना अपना टॉपिक एंटर करेंगे आपको किस टॉपिक के ऊपर जो है ना ब्लॉग चाहिए तो जो हमारा टॉपिक था रेड फ्लेम्स वो गूगल ट्रेंड से आके हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे और रन दिस प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर लेंगे अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली चैट जी आपको कुछ इस तरह के पहले वो आपको फिफ्टीन टेन टू फिफ्टीन हेडिंग्स बना कर देगा आउटलाइंस बना कर देगा फिर उस आउटलाइंस के ऊपर अंदर जो है ना वो उन सारे आउटलाइंस को कंप्लीट करेगा ठीक है जो यहाँ पे आउटलाइंस है कंक्लूजन के अंदर जो उसने हेडिंग्स दी उन हेडिंग्स को वो फर्दर डिस्क्राइब करके देगा आपको और कुछ इस तरह वन क्लिक से एक सिंगल क्लिक से जो है ना आपको पूरा का पूरा एक इंटायर ब्लॉग आपके पास आ गया कहीं भी आपको जाके कुछ खुद से आपको सर्च नहीं करना पड़ा खुद से आपको कोई आ, नहीं कोई एनालाइज नहीं करनी पड़ी कोई चीज़ एक बने बनाए जो है ना आर्टिकल्स आपके पास आ गए नंबर वन हमने एक वेबसाइट बनाई नंबर टू हमने एक ट्रेंडी टॉपिक सेलेक्ट किया नंबर थ्री हमने उस टॉपिक के ऊपर जो है ना डाटा फाइंड किया एक एनी वे, एनीवर्ड से और एक चार जी पी टी से ठीक है यहाँ पर उसने कंक्लूजन तक प्रॉपर दे दिया तो थोड़ी सी लोडिंग मतलब लोडिंग नहीं मतलब टाइम लेगा थोड़ा सा ये लेकिन आप एक कम्प्लीकेट एक इंटायर ब्लॉग जो है ना वो लिख के दे देगा अगर आपने इसको थोड़ा सा कंसाइज करना है आपको लग रहा है कि बहुत लंबा हो गया है तो आप इसको कमांड दे सकते हो कि कंसाइज इट इन फिफ्टीन हंड्रेड अब आपके पास ये भी ब्लॉग आ गया इसको भी हम सिंपली कॉपी करेंगे ठीक है कॉपी करके ये कंसाइज वाला भी है अगर आप नीचे वो कॉपी करना है आप वो भी कर सकते हो इसको सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पर पे आके पेस्ट कर देंगे जैसे मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पर आके वहाँ से कॉपी पेस्ट हो गया अब इसको थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ऊपर वाला एन का था और जो नंबर टू पे है ये चैट जी का है ताकि दोनों जो है ना आपस में मिक्स ना हो इस तरह से हमारे पास जो है ना दो आर्टिकल्स तैयार हो गए अब हम इन दोनों आर्टिकल्स को नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे पब्लिश आपने दोबारा से वापस मीडियम पे आना है गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है साइन अप विद गूगल अपने यहाँ पे आके भी जो है ना साइन अप कर लेना जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे इस तरह तो से थोड़ा सा टाइम लेने के बाद जो है ना आपके सामने जो वेबसाइट है आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट वो ओपन हो जाएगी अब यहाँ वो आपसे पूछा कि आपका कंप्लीट नेम क्या है आपको मीडिया जब मीडियम पे आपका जो है ना एक जब एक लिंक बनेगा ना आपका जो आपने कॉपी करके पेस्ट करना है वहाँ पे क्या नाम शो हो आपकी वेबसाइट का नाम क्या है क्या है सॉरी आपसे पूछा कि व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन आप यहाँ से तीन से ज़्यादा जो भी जिन चीज़ों में आप इंटरेस्टेड हो आप उनको सेलेक्ट कर लो जिस जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट अपना लगता है प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी सेल्फ इम्प्रूवमेंट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ठीक है जिसमें भी आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो इसको तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे अब आपसे बोल रहा है कि आप जो है ना इस तरह से एक मेंबरशिप भी ले सकते हो लेकिन आप सिंपली कंटिन्यू विद फ्री अकाउंट पर क्लिक कर लोगे लाजमी नहीं है कि आप इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप इसमें जो है ना मेम्बर बने यहाँ पर अपने राइट पर क्लिक करना है राइट पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगी आपकी एक ऐसी साइट एक ऐसी स्पेस जहाँ पर आपने अपना जो है ना ब्लॉग लिखना है मेरे जो ब्लॉग का टाइटल है वो क्या है रेड फ्लेम्स यू स्टोरी पे आके मैंने इस सारा इंटायर जो एनी वर्ड वाला ब्लॉग था उसको कॉपी करूँगी और मीडियम पे जाके जो है ना पेस्ट कर दूँगी कॉपी करेंगे और यहां पे हम पेस्ट कर देंगे ये हमें अब सजेशंस दे रहा है इसको आप क्रॉस कर दो इस तरह से आपको खुद भी ऐसे आपने बिल्कुल इस तरह आपने एक हेडिंग दी इंट्रो और बाकी सारा आपके पास जो है ना आर्टिकल लिखा आ गया अब इसको आप अपनी मर्जी से जैसे आप चाहो कि जिन लेटर्स को बोल्ड करना चाहते हो उनको बोल्ड कर सकते हो जैसे आप इसके बाद में आप सेटिंग करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो जैसे आपको लगता है कि ये सही है आप ऐसे इसको कर लो सिंपली हमने वो जो हमने आर्टिकल हमारे पास आया था एक ब्लॉग आया था हमने उसको कॉपी किया और यहाँ पे आके हमने उसको पेस्ट कर दिया नंबर टू पे हमारे पास आता है चैट जीपीटी का आर्टिकल जो हमने चैट जी पी टी से था हमने इसको अब अब हम इसको कॉपी करेंगे और जो गूगल साइट्स वाली साइट थी हम उस पर आके इसको पेस्ट कर देंगे जैसे मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगी जितना भी चैट जीवी वाला आर्टिकल था वो सारा यहाँ आके पेस्ट हो गया अब इसमें जो वर्ड्स आप डिलीट करना चाहते हो जो वर्ड आप बोल्ड करना चाहते हो आपको इसमें इमेज ऐड करना चाहते हो वो आप सारी जो भी आप चाहते हो उसको वो ख़ुद से आप कर सकते हो आप उसको साइट पर शो हो रहा है टेक्स्ट बॉक इमेज हर चीज़ वो जैसे जैसे चाहो आप उसको ऐड वगैरह कर सकते हो जो चीज़ आपने डिलीट करनी है वो डिलीट कर सकते हो कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हो और इसमें एक और मेन स्टेप ये होता है कि आपने जो सारा टेक्स्ट है उसको एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं रहने देना आपने इसको डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर लेना और यही डिफरेंस है मीडियम और गूगल साइट में मीडियम आपको ख़ुद से जो है ना डिफरेंट इस तरह से बना के दे देता है कि आपको बीच में स्पेस शो हो रही होती है लेकिन जो ये गूगल साइट में होता है आपको बिल्कुल एक ही पैराग्राफ के अंदर एक ही बॉक्स के अंदर कोई इंटायर जो है ना पेस्ट करके देता है आपको उसको डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स में खुद से इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ठीक है उसके अलावा यहाँ पे पेज हैं थीम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपने इसमें आप चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का थीम सेलेक्ट कर सकते हो कलर चेंज कर सकते हो लेकिन जो मीडियम है मीडियम ऐसा कुछ भी नहीं होता उसमें आपको ब्लैक एंड वाइट ही रहता है उसमें कलर्स वगैरह नहीं इतने होते और वो ऐसे भी अच्छा लगता है अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये हमारे पास आता है कि हमने इसमें से सेल्स किस तरह से जनरेट करनी है हमारे पास ब्लॉग तैयार हो गया हमारी वेबसाइट बिल्कुल तैयार है लेकिन अब ये ब्लॉग मुझे अर्निंग किस तरह से करके देगा इससे मैं सेल्स किस तरह से जनरेट कर सकती हूँ ठीक है तो उसके लिए आप क्रोम पे आओगे और यहाँ पर आकर लिखोगे सी पी ए लीड जैसे आप सी पी ए लीड पर लिखोगे फर्स्ट सेट जो आपके पास आई है आप उसको सेलेक्ट कर लोगे सी पी ए लीड ऐप इंस्टॉल नेटवर्क इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको साइनअप आप कर लेना अगर ऑलरेडी आप इस पर रजिस्टर्ड हैं तो आप सिंपली लॉग इन कर लें यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लिखो लास्ट नेम लिखो ईमेल एड्रेस ठीक है पासवर्ड और अपना लिख के अगर आपकी स्काइप आई है तो अपना स्काइप नेम लिख सकते हो लेकिन अगर ऑप्शन है आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर सारी डिटेल्स आप फिल करोगे ईमेल एड्रेस जो भी है आपका जैसे आप सबमिट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करोगे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन वो शो करेगा कि आप इसे टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे तरीके से पढ़ लो अगर इसमें से कोई भी आपको लगता है नहीं ठीक तो आप इसको रजिस्टर ना करो मैं ऐसा रिपोर्ट चुकी हूँ इसको आप सिंपली बाय रजिस्टरिंग ऐसा पब्लिशर पर क्लिक करके कंटिन्यू करोगे तो इस तरह से गो टू योर डैशबोर्ड बोर्ड पर आपको शो हो जाएगा गो टू डैशबोर्ड बोर्ड पर क्लिक करो तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा वही डैशबोर्ड बोर्ड जहाँ पर मेन आपकी पेमेंट्स आएंगी आपके पास आपका सीपीए लीड का जो है ना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा अब इसमें ये बेसिकली है क्या चीज़ ये डिफरेंट ऑफ़र्स यहाँ पे आती हैं ठीक है अब इन ऑफ़र्स को आपने प्रमोट करना होता है वाया योर ब्लॉग ठीक है अब इसमें डिफरेंट जो है ना अगर अच्छा फास्ट पे यहाँ पे है फास्ट पे का मतलब क्या होता है अगर आप चाहते हो कि आपको इमीडिएटली आप जो है ना अपना कैश विदड्रा कर सको तो आप फास्ट पे वाली ऑफर सेलेक्ट करते हो ठीक है सर अच्छा इसको मेनली जो है मेनली एक ऑफ़र है एक ऐसी साइट है जहाँ पर आपको डिफरेंट ऑफ़र्स शो होंगी ठीक है अब आपने मेनली इन ऑफ़र्स को प्रमोट करना होता है ठीक है अब अब इस ऑफ़र्स में होता क्या है अब आपको सामने लिखा शो हो रहा है जैसे ग्रैंड एड अथॉरिटी है इसका जो लिंक आपको मिलेगा जो भी पर्सन इस लिंक पे क्लिक करेगा उसके सामने एक सर्वे ओपन होगा उसने वो सर्वे सर्वे कंप्लीट करना होगा जैसे वो सर्वे कंप्लीट कर देगा आपको जो है ना नाइन्टी फाइव सेंट्स मिल जाएंगे बिल्कुल इसी तरह एक ये है फ़ैन कोड ठीक है फ़ैन कोड क्या है एक मोबाइल ऐप है जो बंदा इसके लिंक पर क्लिक करेगा वो ऐप अप्लीकेशन जब हम इंस्टॉल करेगा तो आपको सेवन सेंट्स मिल जाएंगे इस तरह से आपने इस पर काम करना होता है अब यहाँ नाइफ हिट मास्टर गेम फॉर एक्जाम्पल अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसका हमें ट्वेल्व सेंट्स मिलेंगे इसका जो लिंक है आप अपने पास कॉपी कर लोगे ठीक है यहाँ पे आपको वो लगेगा आपको दो गेम्स खेलनी पड़ेंगी यू हैव टू प्ले टू गेम्स टू गेट मनी ये आप कॉपी कर लोगे लिंक लेकिन ये है कि इसमें हम अगर हम लिखते हैं प्ले गेम्स तो उससे कोई इतना खास इम्प्रेशन नहीं पड़ा ठीक है हमें चाहिए कि हम कोई जो है ना एक ऐसी ऐसा लिंक या ऐसी जो है ना ऑफर एक्सेप्ट करें जिससे हमें जो बहुत अट्रैक्टिव हो अब जैसे यहाँ पे है प्ले टाइम नंबर नाइन पे है प्ले टाइम एंड मनी प्लेइंग और इसकी जो पे आउट है वो भी अच्छा है टू डॉलर्स पर क्लिक तो अगर आप इसमें इस ये वो ले लेते हो तो आप इसके कैची जो है ना रख सकते हो जो लिंक के ऊपर कैची एक आप दे सकते हो एक स्टेटमेंट दे सकते हो इसका आप लिंक कॉपी कर लो इसका लिंक कॉपी करके आप अपनी साइट पर वापस आओ यहाँ पर आप लिखो एक आप टेक्स्ट इसके अंदर एंटर करो कहीं भी मतलब दोनों जो भी आपने सेक्शंस बनाए थे दोनों सेक्शंस के सेंटर में आप क्लिक यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट बॉक्स लिख दो क्लिक हेयर इफ यू वांट टू अर्न मनी बाय प्लेइंग गेम्स और ये काफ़ी अट्रेक्टिव का, का, काफ़ी कैची स्टेटमेंट है ठीक है क्लिक इफ़ यू वॉन्ट टू अर्न मनी बाई प्लेइंग गेम्स इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको थोड़ा तो सा बोल्ड भी कर सकते हो इसका जो है ना फोन स्टाइल चेंज कर सकते हो उसके बाद इसको आप अंडरलाइन अंडरलाइन भी कर सकते हो और अब इसमें आपने यहाँ पे क्लिक करना है ये जो है ना इस पर क्लिक किया यहाँ पे आपके पास एडिट किया एडिट में यहाँ पे एक लिंक एंटर करने का ऑप्शन आपके पास होगा अच्छा तो इसमें आप ये चेंज कर लो उसका फ़ॉन्ट स्टाइल पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे फिर आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करोगे इस तरह से ठीक है इसको बोल्ड भी कर दिया अब यहाँ पे आपने इसका लिंक जो आपने लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पे आपने इसके अंदर पेस्ट करना है ये लिंक को आपने कॉपी किया था इस पर आके आपने इसको पेस्ट कर देना है इसको अप्लाई कर देना आपने अब जो भी पर्सन इस लिंक पे क्लिक करेगा ठीक है पढ़ते पढ़ते कोई इस लिंक पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इस लिंक को कहीं पे प्रमोट करते हो तो जो इस पर क्लिक करके इसका सर्वे कंप्लीट करेगा या एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा तो उसकी जो पेमेंट होगी वो आपको मिलेगी ठीक है इस तरह आपने डिफरेंट सेक्शन के सेंटर में इस चीज़ को एंटर कर देना उसको बोल्ड करके उसका जो लिंक है आपने उसको क्लिक कर देना और अप्लाई कर देना बिल्कुल इसी तरह हम वापस मीडियम पर जाएंगे वहाँ पर जाकर हम सेम स्टेटमेंट एंटर करेंगे क्लिक हियर इफ़ यू वांट टू अर्न मनी बाय प्लेइंग गेम्स और उसमें लिंक डालेंगे जैसे को जो भी इस पर क्लिक करेगा उसको वो उस लिंक पर चला जाएगा ठीक है और सब बात आती है कि पेमेंट हम किस तरह से विद्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो तो पेमेंट्स वाला ऑप्शन है आपने वहाँ पे आके पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है पे है पेनियर है चेक बाय मेल है ए सी एच है ए सी एच यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि सिर्फ यू एस ए के लिए है लेकिन ये वर्ल्ड वाइड काम करता है अगर आपके पास एक अकाउंट नंबर है तो आप इसमें जो है ना ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो पे पॉल ई मेल आप इसमें एंटर करो और सेव सेटिंग्स करके आप इस पर अपना पेमेंट मैथड जो है ना वो एंटर कर लो और इसके बाद यहाँ पर आके आपने जो अपनी जो आपका ब्लॉग था उसका आप टाइटल चेंज करो और उसको पब्लिश कर दो इस तरह से आपने क्या किया आपने एक वेबसाइट बनाई एक ब्लॉग लिखा उसमें लिंक्स एंटर किए उसको पब्लिश कर दिया ठीक है यहाँ आप मीडियम पे भी हमने पब्लिश किया तो यहाँ पे आपसे सबको टॉपिक मांग रहा है कि आपके ब्लॉग का टॉपिक क्या है मेरे ब्लॉग का टॉपिक है रेड तो मैं इसको पब्लिश नाउ पे क्लिक करके पब्लिश कर दूँगी तो यहाँ पर थोड़ी जो लोडिंग होगी और मुझे स्टोरी होगी वो पब्लिश हो जाएगी ये जो है ये मेरी गूगल साइट्स वाला ब्लॉग था ये वो पब्लिश हो गया ये जो मीडियम पे था वो आया कि यूर स्टोरीज़ पब्लिश बट दिस स्टोरी इज़ नॉट करेंटली एलिजिबल टू अर्न मनी टू मेक दिस स्टोरी एलिजिबल जॉइन द मीडियम पार्टनर प्रोग्राम पर उसकी ज़रूरत नहीं है अगर आप करना चाहते हो तो आप उस पर भी कर सकते हो करके आप सही जो है ना उसकी मेम्बरशिप वगैरह लेकिन वो इतना ज़्यादा जो है ना रिवॉर्डिंग नहीं होता अरे करना तो आप कर सकते हो इसके अलावा आप, आप यहाँ पर जो है ना मीडियम के ब्लॉग का लिंक कॉपी कर लो और जो गूगल साइट्स का ब्लॉग का लिंक था उसको कॉपी करके अपने पास सेव कर लो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अब ये कि हम इन लिंक्स को प्रमोट किस तरह से करें हम अपने ब्लॉग्स को किस तरह से प्रमोट करें तो ये जो वेबसाइट होती है मीडियम और गूगल साइट्स ये आपके ब्लॉग्स को ख़ुद से प्रमोट करती हैं आपका काम होता है ब्लॉग लिखना और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे होते हैं आपके ब्लॉग्स को ख़ुद ब खुद जो है ना प्रमोट कर देती हैं और अगर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप अट्रैक्टिव लिंक डाल रहे हो अट्रैक्टिव और कैसी स्टेटमेंट डाल रहे हो तो वो आपके खुद लोग उसको क्लिक कर लें लेकिन उसके अलावा भी कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आप ख़ुद भी प्रमोट कर सकते हो वो ये कि आप फेसबुक पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर अब आपने प्लेइंग गेम्स या अर्न मनी व प्लेइंग गेम्स वाला लिंक डाला है तो आप फेसबुक पर जाके उस तरह के ग्रुप्स जॉइन कर सकते हो जहाँ पे कोई गेमिंग ग्रुप्स हैं या जो भी जो है ना ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप्स हैं वो जॉइन करके वहाँ पे ये एंटर कर सकते हो लिंक उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर रील्स बना के उसको शेयर कर सकते हो यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू और जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है टिकटॉक जो कि आजकल जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है मतलब जिसका अलगोरथम बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है टिकटॉक का आप वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो उसके थ्रू आप लोगों तक अपना लिंक अपना ब्लॉग पहुँचा सकते हो और पर क्लिक या जो पर सर्वे कम्प्लीट करने पे, पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पर आपको जो है ना आपकी पेमेंट मिल जाती है ये एक बिल्कुल एक सिक्योर वे है एक ईजी वे है जिससे आप थोड़ी सी मेहनत करके जब आहिस्ता आहिस्ता आप इस पे ब्लॉग्स लिखोगे तो आपको खुद बहुत आइडिया हो जाएगा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ख़ुद से भी एक्सप्लोर कर पाओगे तो ये एक ईजी वे है आप इसको पैसिव इनकम कह सकते हो अर्न करने का बाकी ये सारा प्रोसीजर था एक ब्लॉग लिखने का उसको मोनेटाइज करने का और उस पर अर्न करने का फर्दर मोर किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो आप फर्दर जो है कमेंट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं